नमस्कार दोस्तों, टॉपर्स एग्जाम डॉट कॉम आपके लिए लेके आए हैं करंट अफेयर्स 2018। इसमें पहला क्वेश्चन है, किशन गंगा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परियोजना की जल विद्युत इकाई का उद्घाटन किया। दूसरा ऑप्शन है, पाकिस्तान ने इस परियोजना की शिकायत विश्व बैंक से की। और तीसरा ऑप्शन है, किशन गंगा नदी झेलम नदी की सहायक नदी है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? जैसा कि हम देख रहे हैं, उपरोक्त तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी 1, 2 और 3 होगा। जोजीला टनल परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पहला ऑप्शन है, जोजीला टनल परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया 19 मई 2018 को किया गया। दूसरा ऑप्शन है, यह धोरे मार्ग की एशिया की सबसे बड़ी सुरंग होगी। और तीसरा ऑप्शन है, लंबाई 14.15 किलोमीटर रखने का फैसला लिया गया है। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर सी 1, 2 और 3 होगा, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, कृषि कल्याण अभियान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, इसका उद्देश्य किसानों की आय में वृद्धि करना है। दूसरा ऑप्शन है, यह अभियान आकांक्षी जिलों के चिन्हित गाँवों में चलाया जाना है। और तीसरा ऑप्शन है, इस अभियान में जिलों के उन 25 गांवों को चिन्हित किया जाना है जिनकी जनसंख्या 1000 से अधिक हो। तो उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं, तीनों ही कथन सही हैं, इसलिए इसका सही उत्तर डी 1, 2, 3 होगा। चौथा क्वेश्चन है, राज्यों के बीच आपसी माल परिवहन के लिए बनाई गई ई वे बिल प्रणाली 15 अप्रैल 2018 को कितने राज्यों में आरम्भ की गई? ई वे बिल आरंभ किया गया उसके जीएसटी के बाद जिस तरह से, तो उसी संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है। इसका सही उत्तर है सी 5 राज्यों में आरंभ की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, केंद्रीय दूरसंचार मंत्रालय ने 2 मई 2018 को राष्ट्रीय डिजिटल संचार नीति 2018 का प्रारूप जारी किया। दूसरा ऑप्शन है, इस नीति में वर्ष 2022 तक डिजिटल संचार के क्षेत्र में 40 लाख नए रोजगार सृजन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। तो उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका सही उत्तर है सी, दोनों ही कथन सही है। राष्ट्रीय खरीफ फसल सम्मेलन 2018 का आयोजन 25 अप्रैल 2018 को कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है नई दिल्ली, दूसरा पुणे, तीसरा चेन्नई और चौथा ऑप्शन है बेंगलुरु। तो इसका सही उत्तर है ए नई दिल्ली। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने विश्व के सबसे प्रदूषित 20 शहरों की रिपोर्ट 1 मई 2018 को जारी की। इसमें भारत के कितने शहरों को शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर है सी 14 शहरों को शामिल किया गया है। 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? पहला ऑप्शन है बीजिंग चीन में, दूसरा ऑप्शन है टोक्यो जापान, तीसरा ऑप्शन है कोलंबो श्रीलंका और चौथा ऑप्शन है दिल्ली भारत। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है डी दिल्ली भारत में। 15वें एशिया मीडिया शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत की राजधानी दिल्ली में किया गया। मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने विश्व के सबसे ताकतवर हस्तियों की सूची 8 मई 2018 को जारी की। इस सूची में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन है 5वां, दूसरा ऑप्शन है 7वां, तीसरा ऑप्शन है 9वां और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, सही उत्तर है 9वां। मशहूर पत्रिका फोर्ब्स ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपनी 2018 की सूची में, जो कि 8 मई 2018 को जारी हुई, उसमें 9वां स्थान दिया है। केंद्रीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10-11 मई 2018 के मध्य किस देश की आधिकारिक विदेश यात्रा पर थी? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा म्यांमार, तीसरा नेपाल और चौथा ऑप्शन है जापान। तो दोस्तों, सही उत्तर है बी म्यांमार। प्रधान विदेश मंत्री सुषमा स्वराज 10-11 मई 2018 के मध्य इन दोनों देशों की विदेश यात्रा पर गई थी।